और जब मैं ऐसा बोलता हूँ कि इंडस्ट्री गलत लोगों के हाथों में है तो गलत लोगों को बुरा लगता है, या जिन्हें बुरा लगता है उन्हें विचारने की जरूरत है कि उन्हें क्यों बुरा लगा है। डेटा जो है, आंकड़े हैं जो मेरी बात को अनफॉर्चुनेटली सपोर्ट करते हैं कि हाँ बिल्कुल सही बात है। आप अंदाजा लगे, मैं एक छोटी सी कंपनी का एग्जांपल दे रहा हूँ, नहीं एक कंपनी का छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, कंपनी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। और अगर आप irda.gov.in पर जाएंगे तो मोटे मोटे तौर पर आपको सभी कंपनी की यही सिचुएशन मिलेगी। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। जब डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको कैंसर हो गया है तो डॉक्टर आपका दुश्मन नहीं होता है, है ना? या डॉक्टर आपको बोलता है कि आप डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की बीमारी के बॉर्डर पर खड़े हैं, अब अगर ध्यान नहीं दिया तो ज़िंदगी भर के लिए परेशानी हो जाएगी, तो डॉक्टर आपका दुश्मन नहीं होता है, बल्कि वही धरती पर सबसे आपका अच्छा मित्र होता है जो आपको सावधान कर रहा होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु जोशी है और मैं कुछ डेटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पिछले 14 साल पहले एक कंपनी है, उसमें 14 लाख एडवाइजर्स थे, एजेंट थे, एडवाइजर तो सही शब्द नहीं होगा उनके लिए यूज़ करना। उसके बाद पिछले 14 साल में, आप समझिएगा गहराई से इस चीज़ को, मैं आपको समस्या भी बताऊँगा और समाधान भी बताने की कोशिश करूँगा जो मुझे लगता है। पिछले 14 साल में 46,35,000 नए एजेंट रिक्रूट किए गए, पूरी ताकत लगा दी गई, और पिछले 14 सालों में 46,35,000 नए एजेंट रिक्रूट किए गए। ओके, फिर 14 साल के बाद आज सिचुएशन क्या है? आज सिचुएशन यह है कि 46,23,000 एजेंट है जो सिस्टम में से निकल चुके हैं, टर्मिनेट हो चुके हैं। यानी नेट नेट अगर 11 साल का टोटल करें, है ना, नेट टोटल करें कि बचे कितने टोटल उस प्रयास के, तो बचे 11,936, 12,000 भी पूरे नहीं। ये ऐसा ही है कि आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको बोला कि आपको एक्स वाई जेड सिचुएशन है आपकी रिपोर्ट में, ब्लड रिपोर्ट में या यूरिन रिपोर्ट में, जिसकी भी रिपोर्ट है, तो ये सिचुएशन है। अब आप दवा लीजिए और दवा लेने के बाद 15 दिन बाद आप, 14 दिन बाद आप मेरे को दिखाइए, और 14 दिन दवा लेने के बाद भी सिचुएशन वही है, तो इन 14 दिन की दवा का दरअसल हुआ क्या? तो दवा बदलने की जरूरत है या तो, या डॉक्टर बदलने की जरूरत है, है ना? सो उसी रेफरेंस में मैं आपको बोल रहा हूं कि ये बड़ा ही भयावह डेटा है कि 14 साल में 25,000 से ज्यादा लोगों ने मिलकर और 11,936 लोग रिटेन कर पाए वो। और मोटे मोटे तौर पर सभी कंपनीज की यही हालत है, घेर लो पकड़ लो छोड़ दो, जिस इंडस्ट्री का मूल मंत्र होता है, जिन लोगों का मूल मंत्र यही है कि शाम को कितना टारगेट करोगे, आज शाम को कितना लॉगिन हो रहा है, उस इंडस्ट्री का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। मेरी बात बुरी लगेगी सुनकर, लेकिन एक इंश्योरेंस एडवाइजर के रूप में आपको ये सोचना पड़ेगा कि ऐसी इंडस्ट्री में अगर आपको न केवल सर्वाइव करना है बल्कि सक्सेसफुल भी होना है तो क्या किया जाना चाहिए। मैं बड़े दिल से आपको बता रहा हूं, अगर आप 14 साल से ज्यादा इस इंडस्ट्री में टिके हुए हैं तो आप बधाई के पात्र हैं कि आप उन लोगों में नहीं है। 99.74% यानी 0.26% लोग ही इस इंडस्ट्री में टिके हैं, तो अगर आप टिके हैं तो आप बधाई के पात्र हैं निश्चित रूप से, लेकिन टिके रहना चाहते हैं तो आपको कुछ कदम उठाने ही पड़ेंगे। आप सोचेंगे कि नहीं IRDA कदम उठाएगा, भूल जाइए, IRDA के पास और बहुत सारे काम हैं। आपको लगता है कि नहीं कंपनी के CEO और कंपनी का टॉप मैनेजमेंट कदम उठाएगा, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा आपको, जैसा पिछले 153 सालों में लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कदम उठाए गए हैं आप और आशा रख लीजिए कि कदम उठाएंगे। आपको लगता है कि आपका ब्रांच मैनेजर या आपका मैनेजर कदम उठाएगा, तो ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, कदम आपको उठाने पड़ेंगे। करियर आपका है, जिंदगी आपकी है, बिजनेस आपका है, प्रोफेशन आपका है, घर आपको चलाना है, पैसा आपको चाहिए, ये आपने डिसाइड किया है। ये शर्त ये नहीं थी कि नहीं CEO सब ठीक काम करेगा, IRDA सब ठीक काम करेगा, ब्रांच मैनेजर सब ठीक काम करेगा, मेरा मैनेजर सब ठीक काम करेगा, तब मैं ये करूंगा, ऐसा नहीं था ना। ये करियर आपका है, आपको कदम उठाने पड़ेंगे, पहला कदम। मुश्किल देखो, मेरे जो गुरु हैं अरुण पाटिल सर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, वो हमेशा कहा करते हैं कि कार्य कठिन है इसीलिए करने योग्य है क्योंकि साधारण कार्य तो सभी करते हैं। और हिमांशु जोशी के रूप में मैंने इस चीज को स्वीकार किया कि यस, आसान काम तो सभी करते हैं, तो कार्य कठिन है इसीलिए करने योग्य है, तो ठीक है। और आप देख रहे हैं, मैं एडवाइजर लर्निंग, मैं अभी भी वहीं बैठा हूं एडवाइजर लर्निंग रिसोर्ट पर, विश्व का पहला इंश्योरेंस थीम रिसोर्ट बना रहा हूं। 153 साल में आज तक इंश्योरेंस एजेंट के लिए एक कुर्सी तक नहीं रखी गई, एक ऑफिस तक नहीं बनाया गया, उस इंडस्ट्री में एक पूरा रिसोर्ट बना देना 9 एकड़ का, एडवाइजर लर्निंग रिसोर्ट। तो कार्य कठिन है लेकिन करने योग्य है,
सो मैं आपको तीन फॉर्मूलाज बता रहा हूं इस इंडस्ट्री में न केवल टिके रहने के लिए बल्कि ग्रो करने के लिए, और वो कदम आपको उठाने पड़ेंगे। आप उठाएंगे अच्छी बातें, नहीं उठाएंगे ईश्वर सबकी रक्षा करता है, आपकी भी करेगा। पर मैं हिमांशु जोशी जिम्मेदारी के साथ ये आपको बता रहा हूं, पहली चीज आपको धीरज रखना पड़ेगा। भले ही आपका सीईओ से लेकर आईआरडी के चेयरमैन से लेकर और आपके ऑफिस के पियन तक आपके ऊपर प्रेशर डाले, आज लॉगिन चाहिए, आज लॉगिन चाहिए, कैसे भी करो आज लॉगिन चाहिए, तो आप भी कस्टमर के पीछे पड़ जाते हैं। आपको लगता है मैं कस्टमर के पीछे पड़ूंगा मुझे बिजनेस मिल जाएगा, दरअसल वहां से तो बिजनेस मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं है, बल्कि आप वो पीछे पड़कर और 10 पोटेंशियल कस्टमर को इस इंडस्ट्री से दूर कर देते हैं। आपसे दूर नहीं, इस इंडस्ट्री और इस इंडस्ट्री के लोगों से दूर कर देते हैं, क्योंकि इमेज बन गई है ये लोग तो पीछे पड़ जाते हैं, पीछे पड़ जाते। पीछे क्यों पड़ गए? क्योंकि प्रेशर, अरे हाँ सर बहुत प्रेशर आता है ऊपर से। वो प्रेशर इसलिए आता है क्योंकि 90 दिन पहले आपने प्रॉपरली कॉल ओपन नहीं किए। आप 5 नए लोगों से मिलना तो शुरू करिए, सब लोग यही बोलते हैं, मैं भी यही बोल रहा हूँ आपको। तो पहला जल्दबाजी नहीं करनी है, पहली मीटिंग, और मेरा डेटा नहीं है, पहली मीटिंग में क्लोजिंग होने का सिर्फ 2% रिकॉर्ड है। तो जब हमें पहले से पता है कि पहली मीटिंग में क्लोजिंग नहीं होने वाली है, तो पहली मीटिंग में क्लोजिंग का ट्राई करना क्यों है? और इस इंडस्ट्री का सत्यानाश उन लोगों ने किया है जो न केवल पहली मीटिंग बल्कि फोन पर क्लोजिंग करने की सोचते हैं और प्रयास करते हैं, उसके SMS भेजते हैं 40 रुपए रोज बरोज 16 साल के लिए, 20 साल बाद 21 लाख मिल जाएगा और सोचते हैं कि नहीं मुझे रिस्पॉन्स मिल जाएगा। थोड़ा सा भगवान ने ऊपर वाला मंजिल दिया है भर के, तो उसका इस्तेमाल करिए ना। अगर SMS और WhatsApp से रिस्पॉन्स मिले, ईमेल भेजने से रिस्पॉन्स मिले, आपको लगता है कंपनी आपको रखेगी? उनके पास सॉफ्टवेयर कम है SMS भेजने के, WhatsApp भेजने के और ईमेल भेजने के? वो बल्क में भेजेंगे, रिस्पॉन्स मिल जाएगा, खत्म हो गई बात। और इस विषय पर मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो कर चुका हूं कि ये जो साधन है, सूचना के जो साधन है, इनका उपयोग क्या है? ये आपकी अटेंडेंस लगाने के लिए है। मैं उपस्थित हूं, मेरी हाजिरी लग रही है, मैं इस इंडस्ट्री में अभी भी हूं टिका हुआ, ये जानकारी देने के लिए। अपॉइंटमेंट SMS करने से अपॉइंटमेंट नहीं मिलते हैं, या WhatsApp करने से अपॉइंटमेंट नहीं मिलते, मेल करने से अपॉइंटमेंट नहीं मिलते हैं। सीखना पड़ेगा, YouTube पे मेरे इसी चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, उनसे आप सीख सकते हैं। अदरवाइज मैं ये एडवाइजर लर्निंग रिसर्च पर वर्कशॉप भी कर रहा हूँ, मैं एक ट्रेनिंग सेंटर में ही बैठा हूँ, यहाँ पर जो हम ट्रेनिंग अब देख रहे हैं, पीछे खसखस का चिक है ना, तो चिल्ड एकदम ठंडा वातावरण, 48 डिग्री बाहर गर्मी होगी तो भी अंदर एकदम ठंडक लगेगी आपको। तो एकदम हमने जंगल रिसोर्ट टाइप का पूरा थीम लिया है, एकदम शांत वातावरण और ठंडा वातावरण, बढ़िया और एकदम नेचुरल है ना। जमीन पे पत्थर है, टाइल नहीं है, सारा जंगल की चीजें हैं, पेड़ है, 12,000 से ज्यादा पौधे लगाए हैं हमने यहाँ पर, और एकदम गुरुकुल स्टाइल में यहाँ पर सीखेंगे पढ़ेंगे। बाकी तो यूट्यूब पर वीडियो है ही, और जो यहाँ पर कोर्सेज हो रहे हैं एडवाइजर्स के लिए, लीडर्स के लिए, उसके लिए अलग से यूट्यूब पर वीडियो मैंने अपलोड किए ही है, वो आप देख सकते हैं क्या क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कितने में होगा, कहाँ होगा। सो पहली चीज है आपको सीखना पड़ेगा कि सही व्यक्ति कौन है, उसे सही तरीके से अप्रोच कैसे किया जाए, और क्लोजिंग के लिए जल्दबाजी न की जाए। मुझे पता है आपका EMI भरना है, मुझे पता है आपको घर चलाना है, फीस भरनी है, रेंट देना है, घर का खाना, सब पता है। तो किसको नहीं देना होता है? सबको देना होता है ना, तो सबको देना होता है तो वो लोग भी तो काम कर ही रहे हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री में आपको जो बोलते हैं ना पाइपलाइन बनानी, तो आप प्रॉपरली पाइपलाइन अगर आप बनाएंगे तो 90 दिन, मैं गारंटी देता हूँ। हिमांशु जोशी मेरा नाम है और 9825600778 डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा मैं, 9825600778 ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। 90 दिन में जो बोल रहा हूं वो करिए, आपको 91 दिन से बिजनेस मिलना शुरू हो जाएगा, कभी प्रेशर नहीं आएगा और कभी पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो मूड हुआ तो सोमवार को किया, मूड नहीं हुआ तो मंगलवार को नहीं किया, मूड हुआ तो गुरुवार को किया, संडे को फिर छोड़ दिया। इन कंसिस्टेंसी के बिना नहीं होता है बिजनेस। वो जो हैंडपंप होता है ना, उसमें आप पंप मारते मारते कंसिस्टेंटली मारना पड़ता है, जब तक पैसा नहीं, पानी नहीं निकलता है तब तक। तो पहली चीज है धीरज रखना पड़ेगा, क्लोजिंग की जल्दबाजी आपको दूर ले जाएगी आपके करियर से, आपके पैसे से, आपके बिजनेस से, ठीक है? तो आप बोलेंगे लेकिन सर पैसा तो चाहिए ना। हाँ मैं मानता हूं पैसा चाहिए, और पैसे का काम पैसा ही करता है, लेकिन आपको अपनी थोड़ी देर के लिए जरूरतें कम कर दीजिए। आपको अपनी जरूरतें कम करनी पड़ेगी अगर पैसा इमिडिएटली नहीं आ रहा है आपके पास, इतनी तकलीफ है तो जरूरतें कम करने को तैयार नहीं है, तो फिर ठीक है, सबका करियर चल रहा है, थोड़े बहुत साल आपका भी चल जाएगा धक्के खाते खाते, है ना। ईश्वर ने कीड़ी को कण और हाथी को मण का इंतजाम किया ही, आपके लिए भी किया ही होगा। पर जब आप जल्दबाजी में आते हैं तो क्या होता है, समझिएगा बहुत ध्यान से, और मैं बहुत गंभीरता से बात बता रहा हूं। मेरा नाम हिमांशु जोशी है और मैं चैलेंज दे रहा हूं, आप जितने भी लोगों को जानते हैं,
आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर के रूप में जितने भी लोगों को जानते हैं, कोई भी रैंडम 100 ऐसे लोगों से बात कर लीजिए, पता ही आपको बात करने की जरूरत ही नहीं है, जिन्होंने कुछ भी अचीव किया है, टाइटल है ना, जैसे MDRT किया है, COT किया है, TOT किया है, या कोई भी क्लब क्वालिफाई किया है, या कोई भी अवार्ड जीता है, आप चेक कर लीजिएगा, उनके पास पैसा नहीं मिलेगा आपको, एक्सेप्शन को छोड़कर, है ना। तो पता था मैं अभी एडवाइजर लर्निंग रिसोर्ट के अंतिम स्टेज चल रहा है फर्स्ट फेज का, तो कंस्ट्रक्शन के लिए और पैसे की जरूरत थी, तो मैंने फोन किया, जो आता है ना सोशल मीडिया पे कि भाई ये अवार्ड मिला वो अवार्ड मिला, तो मैंने मेरे संपर्क में जो भी लोग थे मैंने फोन किया कि भैया आप विश्व के पहला इंश्योरेंस थीम रिसोर्ट बन रहा है और जिस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आपने इतना नाम पैसा कमाया है, नेम फेम कमाया है, करियर बनाया है, उसमें थोड़ा इन्वेस्ट करिए आप, है ना। बाकी ट्रेनर्स ट्रेनिंग करते हैं और उस ट्रेनिंग के मेहनत करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उस पैसा कमाते हैं, उस पैसे से अपनी प्रॉपर्टीज बनाते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है, मैं भी बना सकता हूँ, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं 9000 का सेशन कर रहा हूँ तो 9000 करूँगा, 25 नहीं करूँगा उसका, है ना। मार्केटिंग करके 12000 रुपया डिस्काउंट दे देने का, 25000 के सेशन में 12000 का डिस्काउंट दे दिया, 5000 रुपया कमीशन दे दिया बेचने वाले को, और बाकी का पैसा मेरे पास एंड में आया, तो मैं कह 9000 ही रखो ना भैया, ख्याल आ रहा है। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, मैं भी अपनी प्रॉपर्टीज बना सकता हूँ, लेकिन एडवाइजर लर्निंग रिसोर्ट बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि एडवाइजर को उसका मालिकाना हक मिले, वो मालिक बने उसका, शेयर्स दिए मैंने उसको। तो बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया है, 2200 से ज्यादा लोगों ने इन्वेस्ट किया, तो मैंने लास्ट राउंड के लिए फिर से लोगों को फोन किया, और जो अचीवर, हाँ अचीवर, टाइटल के हिसाब से कम 10 लाख रुपए की इनकम इस साल आई होगी, या 50 लाख रुपए इनकम, 10 से 50 लाख की रेंज में पे ऑन पेपर जो जिनके पास पैसा आया होगा, उन लोगों को फोन किया, अरे सर कर्जा और चल रहा है। अरे कर्जा कैसे चल रहा है, तुमने तो अभी 30 लाख रुपया कमाया, पेपर पे 30 लाख है फॉर्म 16 तुम्हारा, तो 10 लाख का कर्जा ऊपर से कैसे हो गया। नहीं सर, तो पता चला, अब देखिए कितनी डरावनी चीज पता चली, पता चला कि उस व्यक्ति ने वो लेवल क्वालिफाई करने के लिए, बाकी सारे लोग 30% कमीशन मिलता था, 30 के 30 दे देते थे, ये भाई साहब ने 40% दिए, क्योंकि उसको किसी ने सिखाया, उसके लीडर ने या ट्रेनर ने या मैनेजर ने या जो भी महान व्यक्ति रहा होगा उसके गाइडेंस देने वाला, उसने सिखाया कि अरे एक टाइटल मिल जाएगा, वाह वाह हो जाएगा, एकदम छा जाओगे तुम, है ना, नाम हो जाएगा, एकदम गर्दा उड़ा देंगे, है ना, और वो छतरी लेके आदमी आपको सम्मान करेगा, वो ले जाता ना स्टेज के ऊपर छतरी पकड़ के चल रहा है, और आपके ही साथी एडवाइजर आप फूल डाल रहे हैं रास्ते में, और आप भी एकदम छाती तान के एकदम साफा वाफा पहन के ट्रॉफी लेते हैं, और फिर एक बार उस वाइफ को सर्टिफिकेट और ट्रॉफी देना, बोलना 40 लाख रुपए पेपर पे आया था लेकिन 50 लाख का चुका के मैंने ये टाइटल अचीव किया है। फिर वाइफ क्या बोले, देखिए मैं हमेशा से इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि आप 2 लाख का बिजनेस करिए, लेकिन 2 लाख आपकी जेब में आना चाहिए। आपने 10 लाख का बिजनेस किया और 10 लाख का कमीशन कमाया और 10 का 10 लाख दे दिया, ये कैसा बिजनेस है भैया, ये मेरी तो समझ में नहीं आता है, मेरी समझ में नहीं आता ये बिजनेस, है ना। और उससे भी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन अभी ये चल रही है कि 10 लाख का कमीशन कमाने के लिए, वो टाइटल हासिल करने के लिए 15 लाख का पैसा दिया जा रहा है, 5 लाख लोन लिया जा रहा है, और सिखाया ही जा रहा है कि अरे तुमको तो रिन्यूअल मिल जाएगा, वो लोन नहीं चुका पा रहे लोग, एक्चुअली बनना चाहिए था अमीर, उसकी जगह कर्जदार बन रहे हैं। तो पता चला कि रुको, और कहीं इसमें आप भी तो नहीं है जो वीडियो सुन रहे हैं ये, तो समझना ध्यान से। एक वो अपनी सिंघम पिक्चर है, उसमें बोलता है कि मेरी जरूरतें हैं कम इसलिए मेरे जमीर में है दम। तो आप अपना जमीर बेचकर पॉलिसी तो नहीं खरीद रहे हैं कि जिस पैसे के ऊपर आपकी मम्मी पापा का हक था, जिस रुपयों के ऊपर आपकी पत्नी का हक था, जीवन साथी का हक था, जिन रुपयों के ऊपर आपके बच्चों का हक था, वो रुपया और ऊपर से और कर्जा करके वो रुपया आप एडवाइजर को देकर क्या ले रहे हैं, एक टाइटल ले रहे हैं। उस टाइटल को जो दे रहा है ना कंपनी, वो कंपनी ही 30 तारीख के बाद उसकी वैल्यू नहीं करेगी, 1 तारीख से फिर से प्रेशर डालेगी आपके ऊपर के धंधा चाहिए। तो बोलो अरे पिछले महीने तो मैंने इतना किया, वो खत्म हो गया, बोले उसके लिए दिया था ना ट्रॉफी आपको, साफा पहनाया था ना, ढोल नगाड़े बजाए थे ना, फूल उड़ाए थे ना, खत्म हो गई, रात गई बात गई, नई गिल्ली नया दांव। तो आप समझ ही नहीं रहे हैं बात को। तो जमीर बेचकर पॉलिसी खरीदने वाले अगर आप हैं तो भगवान आपका भला करे, और नहीं है तो ऐसे लोग जब आपको मिलेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। मैं उनका क्या करना है बताऊंगा आपको। 2 लाख कमाइए, 2 लाख अपनी जेब में, मना कर दीजिए प्रोस्पेक्ट को, तो अपनी जरूरतें कम करेंगे तो आपका कंपनी से प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूं, जो घर में प्रेशर आता है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट का, फाइनेंशियल क्राइसिस का, वो कम हो जाएगा। और या फिर नंबर ऑफ कॉल्स बढ़ा दीजिए,
वही होता है ना, एक रोटी से भूख नहीं मिटती है तो दो खाते, दो से नहीं मिटती है चार खाते, चार से नहीं मिटती है पांच खाते। वाइफ को बोलते थोड़ी जाड़ी रोटी बना, इंक्रीज करते इनपुट, इंक्रीज करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ठीक वैसे ही आप बिजनेस में इनपुट इंक्रीज कर दीजिए। 140 करोड़ लोगों के देश में अगर आप पांच नए लोगों से रोज नहीं मिल रहे हैं तो दरअसल आप कर क्या रहे हैं उसके ऊपर सवाल उठना चाहिए। तो धीरज रखेंगे और धीरज रखने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है नंबर ऑफ कॉल्स बढ़ा देंगे, 90 दिन में रिजल्ट मिलेगा। वीडियोस मैंने रिलीज किए हुए हैं कैसे के बाद क्या बात करनी है, क्या बात करनी है, लाइफलाइन बैलेंस शीट है, नीड एनालिसिस के ऊपर 5-6 वीडियोस किए हुए हैं मैंने। जितना भी आपको 10 लाख रुपया कमीशन कमाने के लिए जितना भी कंटेंट की जरूरत है फ्री यूट्यूब पे मैंने अपलोड किया हुआ है मेरे चैनल पे हिमांशु जोशी पे। एक पैसा फूट कौड़ी उसके लिए और एक्स्ट्रा खर्च करने की जरूरत नहीं है। उसके आगे सीखना है ऑब्वियसली वर्कशॉप्स होते रहते हैं। सो पॉइंट नंबर वन, धीरज रखना पड़ेगा। दूसरा समझना पड़ेगा आपको इस चीज को कि धीरज रख लिया चलो सर ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको एक और चीज भी करनी पड़ेगी, है ना। आपको मैं बड़े दिल से बता रहा हूँ, कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, आपको ऐसे लोगों से दूर रहना पड़ेगा, सामाजिक बहिष्कार करना पड़ेगा, प्रोफेशनल बहिष्कार करना पड़ेगा जो लोग इस तरह का काम करते हैं। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। कुछ लोग कमीशन वापस देते हैं, पूरी इंडस्ट्री के लोग भुगत रहे हैं उसको। सब लोग नहीं दे रहे कमीशन वापस, नहीं सर मैं तो जिसके पास भी जाता हूं हर व्यक्ति कमीशन वापस मांगता है। तो जिनके पास जा रहे हैं उस लिस्ट के ऊपर ध्यान दीजिए, कहीं गलत लोगों के पास तो नहीं जा रहे आप। सही लोग कौन है यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया मैंने और अदरवाइज वर्कशॉप में और डिटेल में बताता हूं मैं, ख्याल आ रहा है। सो अब आपको जैसे उदाहरण के तौर पर आपको पता है कि ओके ये भाई साहब जो है ये कमीशन देकर टाइटल हासिल किया है, टाइटल कुछ भी हो सकता है ना, वो नाम कुछ भी हो सकता है, तो उस व्यक्ति का बहिष्कार करना पड़ेगा आपको। आपको लगता है आईआरडीए करेगा, नहीं करेगा, उसको नहीं पड़ी। आपको लगता है कंपनी करेगी, नहीं करेगी। आपको लगता है आपका ब्रांच मैनेजर या मैनेजर लीडर करेगा, नहीं करेगा। आपको उसका सामाजिक बहिष्कार करना पड़ेगा क्योंकि वो व्यक्ति और किसी के आड़े नहीं आ रहा है। वो व्यक्ति न तो आईआरडीए के चेयरमैन की नौकरी पे बिजनेस पे या उसके काम पे खतरा कर रहा है, न वो कंपनी के सीईओ के काम पे खतरा कर रहा है, न वो ब्रांच मैनेजर न मैनेजर। वो आड़े आ रहा है, उसका ये एटीट्यूड आड़े आ रहा है, उसका ये एक्शन आड़े आ रहा है आपके, क्योंकि आप एडवाइजर है, आप सेम लेवल पर है। एक एजेंट कमीशन दे देता है तो इससे ब्रांच मैनेजर को कुछ फर्क पड़ता है क्या? कुछ नहीं, उसकी तो सैलरी आने वाली है। लीडर मैनेजर को फर्क पड़ता है क्या? नहीं, कुछ नहीं, उसकी तो सैलरी आने वाली है। चेयरमैन को फर्क पड़ता है क्या? नहीं, उसकी तो सैलरी आने वाली है। अगर मार्केट खराब भी हो जाता है, सभी कस्टमर कमीशन मांगने भी लग जाते हैं, तो कमीशन मांगने के ट्रेंड का पहला भुक्तभोगी कौन है, पहला विक्टिम कौन है? आप हैं। और आईआरडीए के चेयरमैन से लेकर आपकी कंपनी के पियोन तक और किसी को यह चीज नहीं भुगतनी है, तो उसके लिए एक्शन भी आपको लेना पड़ेगा। ऐसे लोगों का आपको पता है पुराने जमाने में नात बार कर देते थे, जात बार कर देते थे उसको, है ना। रोटी बेटी का संबंध खत्म हो जाता था, हुक्का पानी बंद हो जाता था, और समाज में डर होता था इस चीज का कि अरे मेरा हुक्का पानी बंद कर दिया। वैसे कोई रोज हुक्का नहीं पिलाते थे, रोज पानी नहीं पिलाते थे, रोज रोटी नहीं खिलाते थे, लेकिन अगर डिक्लेयर हो गया कि नहीं ये हुक्का पानी बंद है इसका, तो सामाजिक प्रतिष्ठा के सवाल हो जाता था। तो ऐसा व्यक्ति जो आपको पता है कौन कौन कमीशन दे रहा है, हो सकता है आप भी उसमें शामिल हो, आपके साथ भी ऐसा होने वाला है। ये क्रांति की चीज है, ये क्रांति लानी पड़ेगी इस विषय पर, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये रिस्क लेने को तैयार हूं। मैं आपको सही चीज बताऊंगा, मैं भी आपको घेर लो पकड़ लो छोड़ दो सिखा सकता हूं, मुझे कितनी देर लगती है, क्या मुझे नहीं आता है? बिल्कुल आता है, पर उसमें मैं बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे जब तुम्हारे बच्चों से मिले तो मेरे बच्चे नजर मिलाकर बात कर सके तुम्हारे बच्चों से, ख्याल है, और बोल सके मेरे पापा ने सही चीज सिखाई। अगर मैं गलत सिखाऊंगा कर्जे में हो जाओगे, तो तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे को बोलेंगे कि तुम्हारे पापा गलत चीज सिखा कर गए, कमाना तो दूर कर्जे में हो गए हम लोग। सो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको एक बात बता रहा हूं कि यह संभव है। आपको बस एक बार बोलते हैं पुट योर फुट डाउन, एक बार आपको निर्णय लेना पड़ेगा। और देखो क्या, अकेली मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, सुना होगा ना, ये वही कुछ मछलियां जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री को उनका बहिष्कार कर दो। कैसे बहिष्कार करोगे? एग्जांपल देता हूं, वो अगर आपके वो आपके सेम लीडर की टीम में हो सकते हैं, ब्रांच में हो सकते हैं, उन लोगों के फंक्शंस में जाना बंद कर दो जहां पर कमीशन देकर ट्रॉफी अवार्ड लेने वाले लोगों को सम्मान किया जा रहा है, उन फंक्शंस में जाना बंद कर दो। आप बोलेंगे लेकिन मैं फंक्शन में नहीं जाऊंगा, तो कुछ नहीं होने वाला है आपका, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लाखों फंक्शन होते हैं आपको पता भी नहीं है, लाखों अवार्ड फंक्शन होते हैं आपको पता भी नहीं है कहाँ क्या हो रहा है, नहीं गए तो पता कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। एक बार हॉल खाली रहने तो दो। उस आप अंदाजा लगाइए जब उस हॉल में सिर्फ वही लोग होंगे स्टेज के ऊपर जो कमीशन देकर ट्रॉफी लेने ले रहे हैं, ऑडियंस में कोई है ही नहीं, उस सम्मान का कोई मतलब है क्या?
ताली भी बजा रहे हैं आप, आपको पता है, आपको पता है बहुत अच्छी तरह से कि ये व्यक्ति कमीशन देकर बना है, इस लेवल तक पहुंचा है, ये इसको ट्रॉफी दी जा रही है, साफा पहनाया जा रहा है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, ये कमीशन देकर बना है और आप ताली बजा रहे हो। उसको अगली बार आएगा, हाँ ठीक है अगली बार फिर से करेंगे। आपने उसको प्रेरित किया, उसको कमीशन देने के लिए, दोबारा कमीशन देने के लिए आपने प्रेरित किया उसको, उसको सुधार भी आप सकते हैं। आपको अगर कमीशन नहीं देना है तो पहले उन लोगों का बायकॉट करिए, उनके फंक्शंस में जाना बंद करिए। दूसरा, अगर टीम मीटिंग हो रही है मत जाइए उसमें। जिस टीम मीटिंग में कमीशन देकर टाइटल हासिल करने वाले लोग बैठे उस टीम मीटिंग का, और ओपनली बोल कर करिए कि मैं इन लोगों के साथ नहीं बैठ सकता, संबंध बंद, खत्म है हमारा। अगर चाय सर्व की जा रही है और एक ट्रे में चार कप हैं और उस ट्रे में से ही वो व्यक्ति चाय पी रहा है, उस चाय को हाथ मत लगाइए, उस गिलास से पानी मत पीजिए जिस गिलास से वो कमीशन देकर टाइटल हासिल करने वाला एजेंट पानी पी रहा है, फिर देखिए क्या होता है। उन लोग समझिए, इस गहराई से समझिए वो क्या बोलता है, जो भी उनको सिखाते हैं, देखो फिर है ना वाह वाह हो जाएगी सब, एकदम तुम ऐसे छाती तान के चलोगे मैं MDRT हूं, COT हूं, TOT हूं, है ना, ये हूं वो हूं, आप समझ रहे हैं? तो उसको आता है हाँ सही बात है, और फिर आप ताली बजाते भी हैं तो उसको लगता है हाँ ये सही है यार। बंद करिए सब, सामाजिक बहिष्कार करना पड़ेगा ऐसे लोगों का, प्रोफेशनल बहिष्कार करना पड़ेगा ऐसे लोगों का। और कोई उपाय लग नहीं रहा है 153 सालों में, इससे बेटर कोई उपाय है तो मुझे बताइए। अगर वो लोग पूरब की तरफ देख रहे हैं, आपको पश्चिम की तरफ देखना शुरू कर देना पड़ेगा, इस हद तक आपको उनका बहिष्कार करना पड़ेगा। और सामाजिक बहिष्कार जो होता है ना, बहुत 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 पावरफुल चीज होती है, बहुत पावरफुल चीज होती है। या तो सिस्टम में से निकल जाएंगे और या अकेले पड़ जाएंगे वो लोग। आप बोलेंगे नहीं सर 100 में से 90 लोग हैं, वो 100 में से 90 लोग जो है ना वो आपके 10 लोगों के बूते पे हैं, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि उनको पता है कि तुम 10 लोग ताली बजाओगे हमारे लिए। अदरवाइज जो 90 आपस में तो सब पोल जानते हैं कि कौन कैसे बना हुआ है, आपस में सम्मान का कोई मतलब नहीं उनका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप बोलेंगे सर लेकिन क्या करें, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। मैं बता दूं, देखो मैं इस चीज में स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि एक मामा टेस्ट होता है ना, मामा टेस्ट, मदर टेस्ट। मतलब क्या होता है कि आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो सोचिए कि अगर मेरी माँ को ये पता चला कि मैंने ये काम किया है तो क्या वो गर्व से कह पाएगी कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा या मेरी बेटी है? अगर हाँ तो वो काम करिए, अदरवाइज मत करिए, सिंपल। लेकिन अगर वो काम के बारे में सुनकर आपकी माँ की नजर नीची हो जाती है या वो गर्व नहीं करती है तो उस काम के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। और एक और लेवल आगे जा सकते हैं। अब सोचिए कि ये काम के बारे में अगर मेरे बच्चे को पता चला, मेरे बेटे और बेटी को पता चला कि मैंने ये काम किया है, तो क्या वो गर्व से कह पाएंगे कि मेरे पापा हैं या मम्मी हैं? हाँ तो वो काम करिए, अदरवाइज वो काम मत करिए, सिंपल। और घर पर जाइए, अपने मम्मी पापा को बात करिए, वाइफ को बिठाइए, बच्चों को बिठाइए, उनको बोलिए कि देखो मैं ये क्वालिफाई करना चाहता हूँ XYZ लेवल, और इसके लिए 10 लाख रुपए का कमीशन मिलेगा मुझे, लेकिन ये कमीशन मैं वापस कस्टमर को देकर और फिर ये टाइटल हासिल करूंगा, मैं करूं कि नहीं करूं? पूछ लेना एक बार अपने वाइफ को, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने मम्मी पापा को। या जो अभी ट्रेंड चल रहा है कि 10 लाख मिल रहा है, 12 लाख दिया जा रहा है 2 लाख का पर्सनल लोन लेकर या क्रेडिट कार्ड से लेकर दिया जा रहा है। मैं बहुत बड़े व्यक्ति को जानता हूं मुंबई में, अहमदाबाद में, बड़ौदा में, आप कोई भी शहर का नाम लीजिए, ठीक है, ऑन पेपर 50 लाख रुपया होना चाहिए था और मैंने लास्ट राउंड के लिए जब फोन किया, और इसलिए नहीं कि मैंने फोन किया, अदरवाइज भी यही सिचुएशन है मेरे पास, तो बहुत सारे लोग आते हैं सर बहुत हालत खराब हुई क्या, वो बोले फला फला व्यक्ति ने ऐसा ऐसा सिखा दिया हमको, अभी 20 लाख रुपया कर्जा हो गया। सोचिए एक व्यक्ति TOT बन रहा है, 20 लाख रुपए का कर्जा, कर्जदार हो रहा है वो, क्योंकि उसने पॉलिसियां खरीदी है जमीन बेच बेच कर, ये जमीन की कीमत चुका रहा है वो, ब्याज नहीं चुका रहा है वो, EMI नहीं चुका रहा है वो, जमीन की EMI चुका रहा है। तो अपने पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को पूछ लीजिए कि ये करने लायक है क्या धंधा, कि 10 लाख मिलेगा, 12 लाख मुझे वापस लौटाना है तो मुझे ये डेजिग्नेशन मिलेगा, ये सर्टिफिकेट मिलेगा। पेरेंट्स और बीवी अपना बता देगी आपको क्या कर रहे हो आप, है ना। हमारे कारेलीबाग में मेंटल हॉस्पिटल है, और आपके शहर में नहीं है तो यहाँ पर आप आइएगा, बुरा लगेगा सुन के लेकिन अभी बड़ा अच्छा लग रहा है जेब में पैसा नहीं है। तो सामाजिक बहिष्कार किया जाना बहुत ज़रूरी है। अगर वो लोग एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग लेते हैं आप बंद कर दीजिए उस बैच में जाना, अगर वो लोग एक पर्टिकुलर सेमिनार में जाते हैं आप बंद कर दीजिए उस सेमिनार में जाना, अगर वो लोग एक, इस हद तक मैं बोल रहा हूँ
एक गिलास से पानी पीना बंद कर दीजिए। अगर वो लोग आते हैं उठ के चले जाए, उनको लगना चाहिए रुको यार मेरे आते ही सब लोग चले क्यों गए, चले क्यों गए, तभी कुछ असर होने की संभावना है। अदरवाइज तो झूठ की बोलबाला है, सच्चे का मुंह काला है। समझ में आ रही? सो अगर आपको अपना करियर बचाना है और उन 99.74% लोगों में नहीं आना है जो इंडस्ट्री को छोड़ के चले गए हैं, तो आपको ये कुछ कदम उठाने ही पड़ेंगे, सीखना पड़ेगा, सही चीज सीखनी पड़ेगी, टाइम लगता है। हरा धना जो होता है ना, हरा धनिया, धनिया कोथंबीर बोलते हैं उसको, जो हरा धना होता है वो उगने में 45 दिन लेता है और वो तोड़ने के बाद 45 घंटे ही रहता है, उसके बाद नहीं रहता है वो। लेकिन आम का पेड़ उगने में 10 साल लगता है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी वो देता है फल। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कोथमीर उगाना चाहते हैं या आम का पेड़ उगाना चाहते हैं। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा रोताए फल होए। अब देखेंगे यहां पर मैंने 12,000 पौधे लगाए हैं, 12,000 प्लांट्स लगाए हैं। पानी देना पड़ता है दिन में 2 बार, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूं जो पूरी प्रोसेस हम कर रहे हैं। मैं सीखता हूं, मुझे सीखने को मिलता है कि मुझे रेगुलर इंटरवल पे पानी देना पड़ेगा। गर्मी ज्यादा है तो दिन में 2 बार पानी देना पड़ेगा, बारिश के टाइम पे पानी देने की जरूरत नहीं है। ठंडी के सीजन में 1 बार पानी देना पड़ेगा या शायद एक दिन छोड़कर पानी देना पड़ेगा, और बीच बीच में खरपतवार उग जाती है, वो खरपतवार निकालते रहना पड़ेगा, नहीं तो मैं खाद डालूंगा तो खरपतवार ज्यादा तेजी से उगेगी, मेन पौधे को पोषण मिलेगा ही नहीं। तो खाद डालने से पहले खरपतवार निकालना पड़ता है, है ना? सो सीखने को मिलता है। 12,000 पौधे, पानी देना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा, पाइप बढ़ा दिए। अब 12,000 पौधे हैं, 14 शिवलिंग है यहाँ पर, बड़े विशाल शिवलिंग स्थापित किए हैं, तो 14 शिवलिंग और 14 सामने की पालियां यानी कितने हो गए 28, फिर एक नंदी जी के चारों तरफ वाली 29 और रुद्राक्ष के चारों तरफ 30 पालियां हैं, और उसके अलावा खुली जमीन है। तो वही, अब मैं अगर एक पाइप, सुनना बहुत ध्यान समझना, अगर मैं एक पाइप लेकर ये 29 पालियों में पानी डालने लगूंगा तो सुबह डालना शुरू करूंगा, शाम तक मैं लास्ट पाली का नंबर आएगा तब तक वो पहली वाली वापस सूख चुकी होगी। तो मैं यही करता रहूंगा क्या? नो। तो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ पाइप बढ़ा दिए। आपको नंबर ऑफ कॉल्स बढ़ाने पड़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट बढ़ाने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मीटिंग्स बढ़ानी पड़ेगी, नंबर ऑफ फॉलोअप बढ़ाने पड़ेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, सो यहां पर जो भी घटनाएं हो रही है एडवाइजर लर्निंग रिसोर्ट पर, उससे मैं क्या सीख रहा हूं उसके ऊपर भी मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा, पर अभी के लिए सिर्फ इतना कि आपको ये डिसाइड करना है कि सही बिजनेस करना है या शॉर्ट टर्म बिजनेस करना है। तकलीफें तो आएंगी, लेकिन हमसे बच के कहां जाएंगे? सॉल्यूशन के बारे में ढूंढना सोचना शुरू करिए। और लास्ट पॉइंट, प्रोस्पेक्ट जो है ना आपका, वो दुष्यंत कुमार की गजल है कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। तो प्रोस्पेक्ट की जेब पर नजर, आप अपने प्रोस्पेक्ट की जेब के सबसे नजदीक होते हैं, लेकिन जब आप जेब के बहुत नजदीक होते हैं ना तो सामने वाले को जेब कतरे का डर लगता है। ये ध्यान से समझना मेरी बात को, क्योंकि बचपन से उसने सीखा होता है जेब कतरों से सावधान, और हमारी इंडस्ट्री के बारे में तो क्या इमेज है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सो ऐसी सिचुएशन में जब आपकी नजर उसकी जेब पर है और आप जेब के बहुत नजदीक हैं, वहां पर थोड़ा सा भी प्रयास आपको जेब कतरा डिक्लेयर कर देगा। लेकिन दुष्यंत कुमार क्या कहते हैं, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। एक बार आप अपने प्रोस्पेक्ट के दिल दिमाग में उतर गए कि हाँ ये सही व्यक्ति है, प्रोफेशनल व्यक्ति है, तो फिर वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा, परमानेंट काम मिलेगा, और न केवल उसका बल्कि उसके रेफरेंस से भी और उसके बच्चों का भी, नेक्स्ट जनरेशन का भी मिलेगा। अभी वो व्यक्ति रेफरेंस तक नहीं दे रहा है आपको, बाद में वो रेकमेंड करना शुरू करेगा। क्या करना है, मैं फिर से बोल रहा हूं, यूट्यूब पर मेरे इस चैनल पर, हिमांशु जोशी चैनल पर, आप 10 लाख रुपए कमाए उसके लिए जितना भी प्रयास किया जाना चाहिए, जो भी सीखने की जरूरत है, सब वीडियो फ्री दिए हुए मैंने इस चैनल पर। कोई भी 20 वीडियो स्क्रॉल करके देख लीजिए, कोई भी सीक्वेंस में, ये वीडियो से लेके पिछले 20 वीडियो देख लीजिए, आपको लगता है ये नहीं, मैं तो 4 मार्च वाला वीडियो देखूंगा, तो 4 मार्च से लेकर कोई भी 20 वीडियो देख लीजिए कंटिन्यू, उसमें आपको पर्याप्त जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। और आपको लगता है कि नहीं मुझे और स्पेसिफिक चाहिए, मेरे प्रश्नों का जवाब चाहिए, तो मैं 1 डे वर्कशॉप करता ही हूं यहां पर, और बाद में हम और भी लेवल पर जाएंगे, जो फंडामेंटल कोर्स है यहां पर एडवाइजर लर्निंग रिसोर्ट पर, 1 night 2 days का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। 3,500 रुपया उसकी फीस है, जिसमें रहना, खाना पीना, रेलवे स्टेशन से पिकअप ड्रॉप एकता नगर से शामिल है उसमें।
मैं बहुत रीजनेबल फीस रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत अच्छी तरह से कि आप 3,500 रुपये जो मुझे देंगे वो पैसा आप अपनी वाइफ को दे सकते थे, बच्चों को दे सकते थे, पेरेंट्स को दे सकते थे, और ये पैसा कमाने में कितना जोर पड़ता है ना। मुझे लोग बोलते हैं अरे सर आप स्टाफ रख दो, है ना, आप समझिए, मैं स्टाफ रखूंगा तो स्टाफ की सैलरी कहाँ से आएगी, वो आप ही इस ट्रेनिंग की फीस से आएगी, तो मुझे इस ट्रेनिंग की फीस को 5,000 कर देना पड़ेगा। फिर आप बोलेंगे सर थोड़ा डिस्काउंट दे दो तो मुझे इसको 7,500 करना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे कमीशन दे दो तो मुझे इसको 10,000 करना, तो मैं 10,000 करूं, फिर 2,500 किसी को कमीशन दूं, 2,500 का डिस्काउंट दूं, फिर उसमें कोई मतलब नहीं है ना। मैं जब आप मैं आपके साथ संपर्क में हूं, आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूं, मैंने डायरेक्ट कम्युनिकेट कर दिया, तो क्यों 10,000 रुपया देना है आपको, क्यों किसी को कमीशन देना है आपको, ट्रेनिंग लेने वाले आप, देने वाला मैं, बीच में क्यों कोई चाहिए आपको। आपको क्या लगता है ट्रेनर अपनी जेब से पैसा देता है? नहीं, जब वो 25,000 का कोर्स ज्वाइन करता है, 25,000 का कोर्स लॉन्च करता है कोई भी ट्रेनर, तो वो उसमें से 12,500 रुपये कमीशन का होता है, देना पड़ता है उसको, क्योंकि मार्केटिंग करना है उसको, और मार्केटिंग करने वाला फ्री में तो करेगा नहीं। मार्केटिंग की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि आप देखकर डिसीजन ले नहीं रहे हो, तो आपके पीछे फॉलोअप करवाना पड़ता है, तो उसके लिए स्टाफ की सैलरी लग जाती है, जरूरत ही नहीं उसकी। फिर आप बोलते हो सर बहुत महंगी फीस है, महंगी आपने बनाई उसको डिसीजन नहीं लेकर फॉलोअप करवा के। भैया आपको पता है आपकी समस्या क्या है, आपको पता है ओके ये ट्रेनर सही है, इससे इसकी इस ट्रेनिंग से मुझे समाधान मिल सकता है, फॉलोअप की क्यों जरूरत है? क्योंकि जितने फॉलोअप बढ़ेंगे उतनी ट्रेनिंग की फीस बढ़ती जाएगी, क्योंकि कॉस्ट इनकर्ड होती है। और यहां पर इसलिए भी रीजनेबल रेट ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि बाहर का होटल में जाऊंगा, अगर मैं सपोज यही 1 night 2 days का सेशन रखता तो होटल वाला ही मेरे से 4,000 रुपया ले लेता, तो 4,000 वो ले लेता, 1,000 रुपया भी मैं अगर मेरा एक दिन का काउंट करता तो भी मुझे 5,000 की तो मुझे फीस रखनी पड़ती यहां पर। लेकिन हम 3,500 क्यों रख पा रहे हैं? क्योंकि अपना ही रिसोर्ट है, एडवाइजर लर्निंग रिसोर्ट अपना रिसोर्ट है, हमें किसी बाहर वाले को पैसा नहीं देना है, तो हम और रीजनेबल कर सकते हैं, है कि नहीं? सो मिस मत करिएगा, मेरा वादा है आपसे कि जब आप इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा इस कोर्स के बारे में, तो इसको मिस मत करिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सही काम करते रहिए। जब आप आईने के सामने खड़े हों तो अपनी नज़र से नज़र मिलाकर बात कर सकें, अपने पेरेंट्स से, मम्मी पापा से, वाइफ से, बच्चों से नज़र मिलाकर बात कर सकें, ऐसा काम करें। ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेरी बात में दम लगा है, सही आपको लगता है कि हाँ नहीं सही बात है, तो शेयर करिए वीडियो को सबके साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, अपने को कोई 1-2 lakh लोगों की जरूरत नहीं है दरअसल क्रांति लाने के लिए। 1,000 लोग हो गए ना जो अवॉइड करना शुरू कर दे कमीशन वालों को, 1,000 लोग ऐसे हो गए ना जिन्होंने पानी वो रोटी बेटी का संबंध बंद और हुक्का पानी बंद कर दिया, अब देखना क्या असर आएगा इसका, क्योंकि ये चेन रिएक्शन होता है, फिर इसका चेन रिएक्शन होता है। ऑल द बेस्ट।